about mucormycosis. There are many types of mucormycosis, जिसमें से rhinocerebral mucormycosis की जो हमारे sinus और brain को effect करता है, then cutaneous mucormycosis की जो हमारी skin को effect करता है, then pulmonary mucormycosis की जो हमारे lungs को effect करता है. Some common symptoms of mucormycosis is like a cough, vomiting, nausea, fatigue, headache, etc. And yes, mucormycosis is not a contagious disease. How does someone get mucormycosis? तो जिसकी इम्यूनिटी लेवल लो हो, जैसे कि कोरोना पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है यानी कि कैंसर के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है. तो ऐसे ऐसे लोगों को म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. और जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं कोरोना पेशेंट, जो ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए वो इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए. अगर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है तो भी हमें म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. और जो पेशेंट जिंक वाली टैबलेट, जिस टैबलेट में जिंक का ज़्यादा प्रमाण हो, ऐसी टैबलेट यूज़ करते हैं तो भी म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड देन ह्यूमिडिटी लेवल हमारे आसपास का 30-40% ही होना चाहिए. ये ह्यूमिडिटी लेवल अगर हमारे आसपास ना हो तो भी हमें म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड देन बेड हाइजीन, मास्क है हमारा वो अच्छी तरीके से हम वॉश नहीं करते, और हमारे आसपास का जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें से हमें पूरी सनलाइट ठीक से नहीं मिलती. ऐसे एटमॉस्फेयर में भी हम जो रहते हैं तो भी हमें म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हाउ इज़ म्यूकरमाइकोसिस ट्रीटेड? म्यूकरमाइकोसिस इज अ वेरी सीरियस डिसीज एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड विथ एंटी फंगल मेडिसिन. एंड कहीं केसेस में हमको कई पार्ट्स की सर्जरी करनी पड़ती है कि जहाँ पे फंगल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है. नाउ व्हाट इज वाइट फंगस? वाइट फंगस इज डेडलियर देन ब्लैक फंगस सीज बाय एक्सपर्ट. एंड वाइट फंगस का इन्फेक्शन स्टार्ट ग्रो होता है हमारी टंग से, एंड देन इट विल बी स्प्रेड इन आर होल बॉडी पार्ट्स लाइक आर ब्रेन, लंग्स, फूड पाइप्स एंड एक्सेट्रा. Unlike black and white, yellow fungus starts internally, causes pus and leads to slow healing of wounds. In some serious cases, it could further lead to devastating symptoms like organ failure or acute necrosis. Generally, fungal infection is spread through bed hygiene. So keep your surrounding good and remove stale food from your house to prevent growth of bacteria and fungi. So guys, stay positive in this situation. Everything will be okay and stay healthy and happy at your home. So we will see you in my next video. Bye guys.